हाय फ्रेंड, कैसे हो आप लोग? चलिए आज अपने रसोई बनाने वाले हैं ब्रेड पकौड़ा। चलिए रेसिपी तरफ चलते हैं। पहला नंबर ये मेरा आलू हो गया। देखिए ये आलू है, इसको आलू को आप बारीक रेत लीजिए बढ़िया से, फिर अच्छा बनेगा ब्रेड पकौड़ा। ये देखिए हमारा ये प्याज है जो काटे हुए हैं, और ये देखिए हमारा टमाटर है, थोड़ा मैं अलग अलग हिसाब से बना रहे हैं। उसके बाद ये देखिए हम चौखंडा ब्रेड भी काटे हुए हैं, देखिए कैसे त्रिकोणा काटे हुए हैं ये देख लीजिए। और उसके बाद ये हो गया मेरा, देखिए पालक हो गया है, ये बेसन है हमारा, ये देखिए बेसन हमारा है। उसके बाद ये मसाले हैं हमारे, देखिए मसाला है हल्दी, सॉरी ये हल्दी है। उसके बाद ये देखिए मसाला है, किचन किंग मसाला है ये। और ये हो गया चाट मसाला, ये देखिए मेरे चाट मसाला है। तो पहले नंबर हम चलते हैं बेसन के पास। तो फ्रेंड हम चलते हैं पहले नंबर, इसमें पानी मिलाते हैं, देखिए आधा कप पानी आप मिलाइएगा हिसाब से। चलिए इसको मिक्स कर लेते हैं बढ़िया से, और आराम आराम से पानी डालिएगा हिसाब से, ताकि ये आपका ना गीला हो और ना तो मोटा ज़्यादा हो। ज़्यादा मोटा हो जाएगा तब भी आपका नहीं अच्छा आएगा स्वाद, और ज़्यादा पतला हो जाएगा तब भी नहीं आएगा अच्छा। तो आप इसको ऐसे आराम आराम से थोड़ा से पानी मिलाते जाइए, और इसको ऐसे मिक्स करते जाइए इसको। जब आपका ये बेसन हो जाता है अच्छे से, उसके बाद इसमें मसाला मिलाइए। हमने पहले भी आपसे बता दी हूँ कि हमारी वीडियो जो है मंडे की ही होगा, मंडे की हम करेंगे। ये देखिए अभी भी हमारा बेसन अच्छे से नहीं हुआ है, इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं। थोड़ा सा और इसमें पानी आप डालिएगा, और उसके बाद इसमें टमाटर आप डाल दीजिएगा। टमाटर को आराम आराम से जो है मिक्स कीजिएगा। ये देखिए, अगर मेरा चैनल आपको पसंद आता है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आप। ये देखिए ये प्याज हमारा हो गया, और हमें पूरा विश्वास है कि आप लोगों को पसंद आएगा ये ब्रेड पकौड़ा हमारा। ये देखिए हमारा पतला है ना, ज्यादा मोटा है ना ज्यादा पतला है, ये देखो। ये देखिए अब इसके बाद हम मिलाते हैं इसमें पालक। देखिए इसमें पालक मिलाने की वजह से कितना अच्छा जो है कलर आ रहा है ग्रीन कलर का। अब उसके बाद इसमें हल्दी मिलाते हैं। इसको खूब अच्छे, जितना अच्छे से फेटेंगे उतना अच्छा जो ब्रेड पकौड़ा आपका टेस्टी और सुंदर बनेगा। ये देखिए, ये देखिए अब हम इसमें आलू मिलाते हैं। ये देखिए इसमें जो है आलू मिलाए हुए हैं, कटी हुई बारीक आलू है, रेती हुई है। अगर आप आलू को रेतोगे नहीं तो आपका पकौड़ा अच्छा नहीं बनेगा, इसलिए मैं आपसे पहले, अगर ये थोड़ा सा टाइट हो गया तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, हल्का से आप पानी बाद में ही ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक चम्मच मसाला है इसमें, ये देखिए एक चम्मच मसाला है टेस्ट के लिए। थोड़ी सी मिर्ची, अगर आपको ज़्यादा टेस्टी लिखाना है तो हल्का मिर्ची स्वाद और बढ़ा दीजिएगा। इसमें थोड़ा सा जीरा डाल दीजिएगा। देखिए एक चम्मच हम इसमें चाट मसाला मिलाते हैं टेस्ट बढ़ाने के लिए। अब हमारी जो है देखिए ये तैयार हो गई है। अब मिर्ची अगर आपको अलग से डालनी है तो आप डालिएगा, और उसके बाद स्वाद अनुसार नमक डालिएगा, जितना आपकी इच्छा हो अपने इच्छा अनुसार डालिएगा। इसमें नमक मिलाते हैं स्वाद अनुसार, हम अपने इच्छा अनुसार, जितना मेरे फैमिली में नमक खाते हैं उसके अनुसार हमने डाला है। अब आपके फैमिली में जितना नमक खाते हैं उसके अनुसार आप डालिएगा। ये देखिए मेरा मसाला तैयार हो चुका है अच्छे से। हम देखिए ऐसे ही मसाला होना चाहिए, ये देखिए। देखिए इसको ऐसे ऐसे आपको मिलाना है, क्योंकि इसमें आलू है। ये देखिए एक बार ध्यान से आप देखिए कैसे मिला रहे हैं, उसके बाद ये इसमें से डालिए। शुरुआत में आप पकाइएगा धीरे धीरे,
और देखिए मेरा कितना बढ़िया कलर आया है। ज़्यादा मत डालिएगा, तो चार चार पीस आप डालिएगा। एक बात और आपसे हम कहना चाह रहे हैं, जो है अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। कितना बढ़िया कलर आया आप खुद देखिए, पीता बेस्ट कलर आया, सुंदर आया हुआ है। ऐसे ही होना चाहिए। अगर आपकी जैसी भी इच्छा हो, जैसे आप चटनी से खा सकते हो, इसको चाय से भी आप ले सकते हो, जिस चीज़ की इच्छा हो उसे बहुत बेस्ट, बहुत एक बार आप ट्राई कीजिए, मेरे तरफ से जरूर कीजिएगा आप। ये देखिए कितना सुंदर बना।